एम्स ऋषिकेश से पीएससी नर्सिंग करने का ड्रीम तो हर एक स्टूडेंट का होता है बट नो नोस कि एम्स ऋषिकेश में एडमिशन लेने के लिए आप लोगों को कितना स्कोर करना होगा सो हियर इन दिस वीडियो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एम्स ऋषिकेश से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है 2025 में तो उसके लिए कितनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी क्या उसके लिए आपको रैंक होनी चाहिए ऑल्सो एम्स ऋषिकेश के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है कैसे आप उस स्कोर को अचीव कर सकते हैं अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बिकॉज एम्स बी एस नर्सिंग हो स्टेट नर्सिंग हो या फिर नीट के थ्रू बी एस नर्सिंग हो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हमारे ही चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी सो लेट स्टार्ट द वीडियो सबसे पहले अगर हम बात करें सो बी एस सी नर्सिंग

कोई भी काउंसलिंग फीस नहीं होती है लेकिन ओपन राउंड के लिए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड आपकी काउंसलिंग फीस रहती है अगर आप ओपन राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं अगर आपको सीट मिल जाता है तो आपकी फीस वहीं पे एडजस्ट हो जाएगी आपकी ट्यूशन फीस में अनलेस आपकी जो फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगी इन द केस अगर आपको सीट अलॉट नहीं होती है तो पहली चीज एम्स ऋषिकेश की अगर हम दो की कट ऑफ बात करें ट आप एक एक डिटेल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं एम्स डॉट एग्जाम डॉट ए सी डॉट इन पे वहीं पे आपको एग्जैक्ट डेटा मिलेगा क्रॉस वेरीफाई कहीं से भी कर सकते हैं मैं कोई भी डेटा आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है सो राउंड वन में जो हमारा जनरल कैटेगरी था एक जनरल कैटेगरी वाले बच्चे को राउंड वन में थ्री थर्टी फोर रैंक पे सीट मिला है ईडब्ल्यूएस एस वाली कैटेगरी में वन पर अगर आप राउंड वन और राउंड टू में कंपेरिजन करें जनरल कैटेगरी के तो आप देख रहे अंदर ओबीसी तो के अंदर आप देखिए राउंड वन में सिक्स ट्वेंटी फोर है राउंड टू में एट थर्टी नाइन है एंड ओपन राउंड में दिस इज थर्टीन थर्टी फाइव एस सी कैटेगरी में राउंड वन में टू फाइव सिक्स थ्री राउंड टू में फोर डबल फाइव थ्री कैटेगरी में फाइव नाइन सेवन राउंड टू में 7693, रखना है सो so, मैं आपको यहाँ पे एक सेफ स्कोर बताने वाली हूँ कि अगर आपको एम्स ऋषिकेश में एडमिशन लेना है तो आपका सेफ स्कोर कितना होना चाहिए सो so, यहाँ पे बहुत ध्यान से आपको एक एक चीज देखना है सो so, अगर आप एम्स नर्सिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको पता है उसके सिलेबस के बारे में कि हाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड चार सब्जेक्ट्स आते हैं थर्टी क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं थर्टी क्वेश्चन केमिस्ट्री के एंड थर्टी क्वेश्चन बायो के एंड टेन क्वेश्चन जीके के ऐसे करके हमारे पास टोटल हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं अब ये हंड्रेड क्वेश्चन कैरिंग हंड्रेड मार्क्स हंड्रेड क्वेश्चन टोटल हंड्रेड मार्क्स के यहाँ पे होते हैं अब अगर आपको जाना है एम्स ऋषिकेश के अंदर सो बच्चों एम्स ऋषिकेश के अंदर आप लोगों का मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपको कट ऑफ बताऊंगी कि अगर आप एक जनरल कैटेगरी हैं ईडब्ल्यूएस हैं ओबीसी है एससी है, है, है या फिर एसटी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं आप इतना मिनिमम स्कोर टारगेट करके चलो आपको एम्स ऋषिकेश में एडमिशन एनी हाउ मिलेगा ही मिलेगा ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑल्सो इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आप इस स्कोर को कैसे अचीव कर सकते हो वट इज दू स्कोर मनीमा मित् ठीक है तो अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है सो so मैं आपको बोलूंगी अगर आपको एम्स ऋषिकेश में एडमिशन चाहिए तो एम्स ऋषिकेश में एडमिशन लेने के लिए आपका जो स्कोर है वो 82 प्लस होना चाहिए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट इ के लिए इट शुड बी एटी प्लस ओबीसी के लिए इट इज अगेन एटी टू प्लस एस सी कैटेगरी है आप अपना जो स्कोर है उसको रखेंगे कैटेगरी में आप इसको रखेंगे 70 plus. अगर आपका इतना मिनिमम स्कोर लेके आ जाते हो सो so, आपको फर्स्ट राउंड में एम्स ऋषिकेश मिल जाएगा और अगर आपका 83, 84 तक आ रहा है तो चांसेस है राउंड और ओपन राउंड तक आपको एम्स डेली भी मिल सकता है बिकॉज आई नो बच्चों का जो ऑप्शन रहता है फर्स्ट में हमेशा वो एम्स डेली टारगेट करते हैं सेकेंड में वो हमेशा एम्स ऋषिकेश या फिर एम्स जोधपुर ऐसे कॉलेजेस को टारगेट करके चलते हैं अब नेक्स्ट चीज आती है कि दी स्कोर तो हमें पता लग गया लेकिन इट्स नवंबर ऑलमोस्ट नवंबर स्टार्ट हो चुके है एंड हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल जीरो है हमें जीरो से स्टार्टिंग करना है तो हम क्या कैसे पढ़ाई करें हम किन चैप्टर्स को टारगेट करें सो so, अगर आप चाहते हैं कि नवंबर से मार्च तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना होगा उसके लिए यू हैव वन एंड ओनली थिंग कि आप अपने टारगेट सेट कर लो आप सबसे पहला ऑप्शन रहता है हमेशा कि आप हाई वेटेज चैप्टर्स को टारगेट करो हाई वेटेज चैप्टर्स पढ़ो अब हाई वेटेज चैप्टर्स करने का भी देखो एक तरीका होता है है ना जो कि आपको हर कोई नहीं बताएगा कोई भी चैप्टर इट सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि आपने फिजिक्स में उठाया यूनिट्स एंड मेजरमेंट और कोई मेरे को बोल रहा है कि भाई यूनिट्स एंड मेजरमेंट से दो क्वेश्चन आता है सो so, मेरा अप्रोच क्या रहेगा यूनिट्स एंड मेजर अब इसी अप्रोच को आपको हर चैप्टर के लिए अप्लाई करके पढ़ना ठीक है तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लिए मैं क्या करूंगी यूट्यूब पे जाऊंगी अगर मैंने कहीं से कोई बात कुछ नहीं लिया हुआ है मैं सर्च करूंगी यूनिट्स एंड मेजरमेंट वन शॉर्ट लेक्चर ठीक है सो मैंने वन शॉट लेक्चर निकालो वन शॉट लेक्चर मिनिमम थ्री से फोर आवर का होना चाहिए ये नहीं थर्टी मिनट फोर्टी फाइव मिनट वाला लेक्चर देख लोगे ऐसा नहीं करोगे मिनिमम थ्री से फोर आवर में जिसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया होगा तो मैं वो लेक्चर चला लूंगी अपने पास खोल के बैठूंगी एक 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 पॉइंट अच्छे से लिख के चलूंगी जो भी उस लेक्चर में मुझे इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज मिलेंगे मैं सारे फॉर्मुला की शीट अलग से बना के चलूंगी दो चीजें फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वॉन्ट की आपका फिजिक्स में स्कोर बहुत अच्छा रहे पहली चीज आपको लेक्चर अच्छे देखना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो नुमेरिकल कहीं से कहीं तक नहीं कर पाओगे एंड नुमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप 2024 का नर्सिंग का पेपर उठा के देखोगे ना सो विल गेट टू नो कि पूरा पेपर ही नुमेरिकल से भरा हुआ था भाई सारे क्वेश्चन नुमेरिकल बेस थे एंड बच्चों का कहना ये था कि दी आ, नीट से भी हाई लेवल के क्वेश्चन थे जे लेवल के क्वेश्चन थे सो इफ यू वांट कि फिजिक्स आपको मात ना दे तो फिजिक्स का बी से आप इसका सलूशन लेके चलो ठीक है तो आपको क्या करना है आपको यूट्यूब पे जाना है एंड इसका वन शॉट लेक्चर सर्च करना है प्रॉपर नोट्स बनाने हैं प्लस उसके बाद आपको नीट के पी सॉल्व करने हैं अब बच्चे सोचते हैं है, मैम नीट के क्यों करें हमें तो नर्सिंग पेपर करना तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपको हमेशा एनसीआरटी पैटर्न फॉलो करना आप एनसीआर पैटर्न फॉलो करोगे तो आपका नीट का जो पेपर होता है दैट इज कम्प्लीटली एनसीआर टी बेस्ड तो अगर आप नीट के आप नीट के पी वाई ये सोच के मत करो कि आप नीट के क्वेश्चंस कर रहे हो आप ये सोच के करो कि मैं एनसीआर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ सेम विद द फिजिक्स सेम विद द केमिस्ट्री सेम विद द बायो तीनों सब्जेक्ट्स के लिए

मुझ पे छोड़ दो हंड्रेड परसेंट अगर करो, हमारी न्यू प्ले लिस्ट भी बनने वाली है बहुत जल्दी जीके की अगर आपने वो कर लिया तो आपके आठ नंबर बहुत आसानी से आएंगे अब इसको फटाफट से मेरे को ऐड करके बता दो भाई कितना टोटल हुआ ये मैंने मिनिमम से मिनिमम रखा है देखो आप लोगों के लिए

शेड्यूल प्रोवाइड कराएंगे अगर आपने अभी तक भी कुछ भी कुछ नहीं पढ़ा है सो आप इस शेड्यूल शेड्यूल को फॉलो कर लो इस इस के अकॉर्डिंग टेस्ट दो हम आपको बताएंगे कि इस वीक में आप कितना पढ़ो एंड उसी का टेस्ट दो फिर नेक्स्ट वीक में आप पहले वाले वीक का कर रिवाइज करो नए वीक वाला पढ़ो फिर टेस्ट दो ऐसे करके आपका सिलेबस वीकली शेड्यूल मिलेगा वीकली टेस्ट मिलेंगे आपको इसके अंदर ऑल्सो आपको जीके प्लस बायो की लाइव क्लासेस का भी बेनिफिट मिलेगा लाइव भी मिलेगा ऑल्सो आपको रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको फ्री काउंसलिंग आपको कैसे चॉइस फिलिंग uh, करनी है कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है हर एक चीज मिलेगा ऑल्सो इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन होंगे बच्चों का सबसे पहले डाउटीस सारे क्वेश्चन बेस्ड आपको मिलेंगे को जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए थी मैंने सारी बता दी है इफ यू एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर बैक यू कैन डीएम नाइन एट डबल सेवन जीरो सिक्स जीरो टू सिक्स थ्री आप हमें इस नंबर पर डीएम कर सकते हैं सो वी विल ट्राई कि आपको बहुत जल्दी यहाँ पे मिले लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखते हैं हमारे टेस्ट सीरीज में बहुत लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं तो इफ यू वांट टू इनरोल तो आप फटाफट -फड़ से मैसेज कर दो एंड अपना इनरोलमेंट कंप्लीट करा लो ओके देन आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी चैनल आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बाय एवरीवन